हाय गाइस दिस इज़ विनीत यर वेलकम टू माय चैनल सो जैसे कि मैंने कहा था मैं आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा आरआरबी पीओ मेंस के लिए और सोर्सेज भी बताऊँगा इसमें और प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी बताऊँगा 2022 2022 में जैसे क्वेश्चंस आए थे कौन से टॉपिक्स आए थे ये बताऊँगा मैं और कहाँ से आपको करना है कैसे करना है मैं ये सब भी आपको बताऊँगा या ये आपके आर क्लर्क मेन्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा तो आप ध्यान से सुनिएगा सब तो आर आर बी में जैसे कि आप जानते हैं टोटल फोर्टी मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है बट ये इसका हाफ कर देते हैं जो भी आपको नंबर आए समझिए आपको तीस आया चालीस में तो उसका पंद, नंबर पंद्रह हो जाएगा और पंद्रह बीस में होगा तो जो एक्चुअल है वो बीस में होता है बट जो कट ऑफ बताते हैं वो चालीस मार्क में बताते हैं तो दो हजार इक्कीस और बाईस में आप देख सकते हो कि कट ऑफ छः गया है जैसे तो आप समझ सकते हो कि पहले उन्नीस और बीस में नौ एट पॉइंट सेवन फाइव तो नौ के आसपास रहता था बट वो अब और नीचे चला गया तो इससे क्या पता चल रहा है इससे यही पता चल रहा है कि कंप्यूटर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है पेपर में और ये सच है पिछले बार भी जो पेपर आया था उसका लेवल जो था ट्वेंटी ट्वेंटी टू में वो मैं बोलूंगा मॉडरेट टू टफ था मॉडरेट टू टफ लेवल था क्वेश्चन काफी अलग अलग टाइप के भी पूछे थे जो मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में मैं आपको स्ट्रेटेजी सोर्सेस बताऊंगा सब बताऊंगा सो so, सिलेबस अगर आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने बाजू में ही लिखा है उसके तो ये सिलेबस है लगभग पूरा जो आपको पढ़ना है तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं उससे तीन चार क्वेश्चन हमेशा पूछते ही हैं जैसे कोल्ड बूटिंग हो गया या शट डाउन करते हैं तो कैसे होता है या शॉर्टकट की उसका कुछ पूछ देते हैं वैसे तो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप डेस्कटॉप पे जाना है आपको तो आप क्या दबाओगे तो वैसे वैसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो उससे दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं तो इस बार भी आए थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जनरेशन होते हैं जनरेशन वन जनरेशन टू जनरेशन थ्री अभी जनरेशन फाइव चल रहा है तो जनरेशन थ्री का एक क्वेश्चन पूछा था ठीक है तो ये आपको अच्छे से करना है जनरेशन ये हमेशा हर साल एक ना एक जनरेशन का कुछ क्वेश्चन आता ही है फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स तो ए और ये सब रिलेटेड हुआ तो आपको मैं ये भी बता दूं कि आप करंट रिलेटेड सब अच्छे से करना है आपको जैसे आप अभी ए बहुत चल रहा है तो आपको पता है कि चैट जीपीटी काफ़ी फेमस है तो ये पूछ सकते हैं चैट जीपीटी क्या है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है चैट जीपीटी किसने डेवलप किया है तो ये हमें पता होना चाहिए ओपन ए ने किया है अभी बाढ़ आया है तो ये बाढ़ किस कंपनी का है ये आपको पता होना चाहिए जैसे ये गूगल का है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और लोग मिस कर जाते हैं अभी जैसे एस एस सी सीजीएल में भी आया था कि माइक्रोसॉफ्ट एज आपने सुना होगा तो ये किसका है तो ये जानना चाहिए हमको कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग किसका है तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो ये सब आपको पता होना चाहिए गूगल क्रोम ये सब जितने भी हैं सफारी किसका है तो ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है सो बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट से तीन क्वेश्चन थे एक वेब क्रॉलर का डेफिनेशन जो होता है वो पूछा था अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है ये सब बट आप एक बार पढ़ लोगे कंटेंट पी जो मैं दूंगा उससे आपको सब समझ में आएगा और एम आप कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है और एस क्या होता है ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक जो ई के लिए यूज़ होता है तो ई के लिए पूछा गया था ये ये ऑलमोस्ट हमेशा ही रिपीट हुआ है बहुत एग्जाम्स में हुआ है तो आप अच्छे से कर लेना हो जाएगा ये कंटेंट में कवर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस जैसे कि आप जानते हैं जो आप इनपुट दे रहे हैं वो देखेंगे आप स्क्रीन पे आउटपुट जैसे प्रिंटर हो गया मॉनिटर हो गया आपको दिख रहा है कुछ उससे या कुछ मिल रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस बोलते हैं तो इंकजेट प्रिंटर का एक क्वेश्चन था कंप्यूटर लैंग्वेजेस अपना हो गया फोर्ट्रान सी प्लस प्लस पैसकल पाइथन ये सब टाइप के होते हैं और ओ हो गया अपना ये सब सब लैंग्वेजेस के अंदर आ जाते हैं तो इस इसपे दो क्वेश्चन थे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे हार्डवेयर इंटरप्ट पूछ दिया था इस बार जो कि ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में फिर कंप्यूटर शॉर्टकट की से था एमएस ऑफिस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होगा एमएस ऑफिस में एक्सेल पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वर्ड आता है तो इनसे शॉर्टकट की भी पूछते हैं इनसे स्पेलिंग एंड ग्रामर कौन से टैब में आता है आपने देखा होगा ऊपर होम टैब रिव्यू टैब इंसर्ट टैब इतने सारे टैब्स होते हैं तो इस टैब को खोल खोल के आपको एक बार देख लेना चाहिए कि क्या क्या है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछते हैं जैसे पिछले बार पूछा था स्पेलिंग वाला जो है स्पेलिंग चेक चेक करने वाला वो कौन से टैब में आता है तो वो रिव्यू टैब में आता है आपसे पूछ सकते हैं थेजोरस कौन से टैब में आता है तो आपको ये सब पता होना चाहिए तो ये देख लीजिएगा फिर सिक्योरिटी टूल से एक क्वेश्चन था मतलब स्पाईवेर पे एक क्वेश्चन था नेटवर्किंग पे था ओएस मॉडल पे तो हब कौन से लेयर में आता है तो ओ का आप जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सात लेयर्स होते हैं ठीक है तो इसमें हब कौन से लेयर पे आता है या आपको पूछ सकते हैं काफ़ी कुछ इसमें राउटर कौन से लेयर पे आता है तो ये सब लेयर से आपको समझ में आ जाएगा ओ क्या है आपको समझ में आ जाएगा और ये वायरस ट्रोजांस हैकिंग वॉम्ब ये सब पे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं दो से चार तो इस बार भी आए थे तो वॉम्स से पूछा था आई थिंक जिसको होस्ट का ज़रूरत नहीं है स्प्रेड होने के लिए वायरस को जरूरत है स्प्रेड होने के लिए किसी होस्ट का ठीक है तो वॉम्स पे क्वेश्चन था फिर और ऐसे कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे इन पर तो आप देख सकते हो एमएस ऑफिस पे आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फंडामेंटल्स पे तो आते ही हैं वायरस पे ज़्यादा पूछते हैं ठीक है बाकी थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट पे पूछते हैं ठीक है और बाकी स्टैटिक और करंट से थोड़ा अच्छे खासे क्वेश्चन थे छः सात थे मेरे अकॉर्डिंग मैं मुझे जितना याद है मैंने उतना डाला है देख देख के तो बिटकॉइन में टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ होता है तो आपको पता है कि ब्लॉक चेन चलता है तो ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए ठीक है ब्लॉकचेन पे चलता है गो गोमिक क्या यूज़ होता है ए आई रिया वर्चुअल रियालिटी ऑगमेंटेड रियालिटी तो इसमें ए आर था आंसर ऑगमेंटेड रियालिटी यूज़ होता है कलर ऑफ केबल्स पे क्वेश्चन पूछा था जो कि मतलब मुझे भी नहीं आता था मैंने भी आंसर नहीं किया था तो इस पर एक क्वेश्चन था आई एस ए का फुल फॉर्म पे था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डेफिनेशन था कि क्वेश्चन uh, में दिया हुआ था कि इसे क्या कहते हैं तो आंसर विच प्रोवाइड्स डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम्स तो उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं तो इस पर था तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी थे तो आपको ये सब अच्छे से करना है उसके बाद आपको इंडिया का पता होगा सुपर कंप्यूटर्स पे अच्छे से करना है तो आपको सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड में ये आपको पता होना चाहिए इंडिया में क्या है फास्ट इंडिया में सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ को क्या बोलते हैं तो परम बोलते हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे आपको एम में भी मिलेंगे और कंटेंट पीडीएफ में भी मिल जाएंगे ये सो ये रहा सिलेबस और प्रीवियस ईयर एनालिसिस इसके बाद स्ट्रेटेजी और सोर्सेज मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा आप ज्वाइन हो जाना ठीक है और पिंड मैसेज में भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे दो चार पी मिल जाएंगे एम और कंटेंट के बट मैं अभी जो लेटेस्ट डालूंगा आप उससे रेफर करना पहले गाइडली और ऑलिव बोर्ड का मैं डालने वाला हूँ गाइडली का पूरा और ऑलिव बोर्ड का ठीक है गाइडली का आप अगर च, आपको टॉपिक वाइज देखना है तो आप गाइडली के वेबसाइट पर भी देख सकते हो फ्री है एम भी फ्री है मैं जो दे रहा हूँ वो एक ही साथ पूरा है मतलब हर टॉपिक का एक ही पी में नाइन्टी पेजेस में आपको पूरा मिल जाएगा और ऑलिव बोर्ड का भी वैसे कुछ पाचास साठ पेज का है बट काफ़ी अच्छा पी है वो उसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो आप ये ये सब अच्छे से कर लीजिएगा तो पहले देखिए स्ट्रैटेजी है कि आप पहले कंटेंट कीजिए क्योंकि तो बहुत लोगों ने कंप्यूटर का कुछ भी देखा नहीं होगा पहले तो जिनने देखा है उनके लिए ठीक है बट जिनने नहीं देखा है आपको कंटेंट बिल्कुल करना पड़ेगा पहले और आप डरिए मत इसका कंटेंट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फॉमूला या कुछ ऐसा बहुत ऐसा सच पढ़ना है या बहुत टेक्निकल टर्म्स है ये पास डेटा और इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको देखना है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो तो आप कंटेंट पहले देखिए कि आपको एक बेसिक इससे बेसिक आइडिया मिल जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो कंप्यूटर क्या है और क्या क्या होता है ये सब आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा उसके बाद आप एम सी क्यूज़ पर जाना तो आपको आंसर भी कर पाओगे आप और थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि ये किस चैप्टर से पूछा है कहाँ से पूछा है तो आपको थोड़ा आसानी होगा और फिर आप मॉक्स और ये सब में अच्छे से स्कोर कर पाओगे और मॉक्स में जो नहीं आ रहा है वो नोट कर लीजिएगा एक जगह कि आप उसको रिवाइज़ कर पाओ ठीक है तो रिविज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज़ आप भूल जाओगे क्योंकि ये नया चीज़ होगा बहुत लोग बहुतों के लिए सो so, एक ये दो चीज़ हो गया कि आप कंटेंट पढ़ लिया आपने फिर आप अरोड़ा एडुकेटर का यूट्यूब पे देख सकते हो ये काफ़ी एम डालते हैं सर तो इनका काफ़ी अच्छा भी रहता है काफ़ी है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कुछ देखने का मैंने भी चार पाँच वीडियोज़ डाले आप देख सकते हैं वो भी बट इनका ज़्यादा अच्छा है ऑफकोर्स बिकॉज वो एडुकेटेड है तो आप वो देख सकते हैं बट इसके लिए भी आपको कंटेंट पहले पता होना चाहिए अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि आप बस एम देख रहे हो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा और बहुत ईजी कुछ आ गया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे तो ये ठीक से देखना उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बुक है अरिहंत का ठीक है ऑब्जेक्टिव्स का आई थिंक वन फिफ्टी पेजेस का है अब अगर आप टाइम दोगे एवरी डे अगर आप पाँच पेज या दस पेज पढ़ोगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में और अभी टाइम है मेन्स को तो अगर आप ये भी करना चाहते हो तो मैं ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे बुक भी अच्छा है काफ़ी बट अगर टाइम कम पड़ता है तो आप पहले ये जो कंटेंट पी डी एफ जिसमें सब दिया हुआ है थोड़े शॉर्ट शॉर्टर वे में तो आप वो रेफ़र कर सकते हो वो आई थिंक काफ़ी होगा और आप लाइटली मत लेना बिल्कुल कंप्यूटर को बहुत लोगों का छः नंबर भी नहीं आया था चालीस में क्योंकि तो टफ था इजी नहीं था आप देख सकते हो केबल्स और ये हार्डवेयर इंटरप्ट इसका किसी को मुझे भी आइडिया नहीं था इतना मुझे भी कुछ याद नहीं था ये सब ठीक है सो लाइटली बिल्कुल नहीं लेना सीरियसली करना इसको भी सेक्शनल कट ऑफ कम से कम क्लियर हो जाए उतना तो अच्छे से करना है बट आप जितना मैंने बताया आप उतना कर लोगे तो आप आराम से ट्वेंटी फाइव थर्टी के आसपास स्कोर कर लोगे ज़्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पेपर बट कुछ कुछ ऐसे आजकल बाहर से आ जा रहे हैं तो फिर कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए बट अदरवाइज सब क्वेश्चंस है जो इसमें आपको मिल जाएंगे कंटेंट से तो आप ये कर सकते हो उसके बाद मॉक्स तो मॉक्स में आपको कंटेंट आप आपने कर लिया एम सी कर लिया तो मॉक्स में आप आंसर कर लोगे अच्छे से और बाकी आपको जो नए नए दिखेंगे वो आप नोट कर लीजिए रिवाइज़ कर लीजिएगा सो so, मैं आपको एक बार पी दिखा देता हूँ तो ये देखिए ये अरिहंत का पी है ये कुछ डेढ़ सौ पेज का है उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स से है इसमें ठीक है फिर ये देखिए ये गाइडली का पीडीएफ है जो कि फ्री सोर्स है एक अवेलेबल है गाइडली के वेबसाइट पे मैंने डाउनलोड करके रखा है मैं ये डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए आप ये पढ़ सकते हो मैंने भी इससे ही पढ़ा था ठीक है और मैंने ज़्यादा नहीं किया यही मेरी थोड़ा थोड़ा फॉल्ट किया मिस्टेक था मेरे पार्ट पे मुझे थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए था मैंने ज़्यादा नहीं किया मैंने इससे देखा उसके बाद मैंने रिविजन भी अच्छे से इतना नहीं किया था बट ठीक है फिर भी मार्क्स मैंने ट्वेंटी फोर कुछ अटैम्प्ट कर लिए थे लेवल के हिसाब से अच्छा अटैम्प्ट था वो और ये आप कर लोगे ये नाइन्टी पेजेस का कुछ है इसमें सब है आपको कुछ ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और वो करने के बाद आप ये वाला भी कर लेना पी डी एफ़ सो दैट आपका रिविजन भी हो जाए और बाई चांस आपका कुछ छूट गया हो तो आप गाइडली के पी डी एफ के बाद ये ऑलि बोर्ड का पी डी एफ कर सकते हो इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया है ये मुझे तभी नहीं मिला था बट बाद में मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये भी काफ़ी अच्छा है इसके बाद आप एम सी क्यू पी डी एफ आपको मिल जाएंगे जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा और आपको गाइडली के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे एम बाकी तो आप प्रैक्टिस आप, आपका हो ही जाएगा इतना पढ़ने के बाद सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है कंप्यूटर के लिए लाइटली नहीं लेना है अच्छे से करना है एंड प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अब थोड़ा लेवल भी ऊपर आ रहा है तो आपको कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा सिर्फ एम से काम नहीं चलेगा कंटेंट के बाद एम कर लीजिएगा सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रेटेजीज़ आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं ये सब लाने के लिए सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो कीप प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना थैंक यू